नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रेस्टोरेंट बिजनेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वाटरमेलन लेमनेड की रेसिपी। दोस्तों, बहुत सारे लेमनेड की रेसिपी जो है मेरा एक रिकॉर्डेड कोर्स है उसके अंदर है, बट मैं आपको अभी एक रेसिपी जो वाटरमेलन से बनने वाली है लेमनेड की, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी मरीन बुल्ला कंपनी का ये प्रोडक्ट आता है वाटरमेलन के नाम से, ये प्रोडक्ट से हम ये रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो हमारे को इसमें वाटरमेलन चाहिए रहेगा दोस्तों, प्लस में ये शुगर सिरप चाहिए रहेगा। शुगर सिरप आप खुद भी बना सकते हैं, चीनी को घोल के बहुत इजीली आप उसको बॉयल करके गर्म करके आप उससे शुगर सिरप बना सकते हैं। ये मेरे पास अभी रेडीमेड शुगर सिरप है। आपको कुछ मिंट के लीव चाहिए होंगे गार्निशिंग के लिए, लेमन स्लाइसेस चाहिए होंगे गार्निशिंग के लिए, और नींबू चाहिए होगा क्योंकि ये लेमनेड है। तो दोस्तों आपको लेमन को स्क्वीज़ करके इसके अंदर डालना रहेगा, तो लेमन की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी और साथ के साथ पड़ेगा आपको ज़रूरत सोडा की। तो इन सब चीज़ों से ये हमारा ड्रिंक बनेगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको ये, क्योंकि ये सोडा से बनने वाली ड्रिंक है, तो सीधे डायरेक्टली हम ग्लास के अंदर ही इस ड्रिंक को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखिएगा। इसको शेकर में नहीं बनाना है आपको, क्योंकि शेक में आप सोडा को अगर शेक करने की कोशिश करेंगे तो सारा जो ड्रिंक है वो निकल कर बाहर आ जाएगा। तो डायरेक्टली आपको इस तरीके से ग्लास के अंदर ही इस ड्रिंक को बनाना है। ये इस तरीके से सबसे पहले आपको आइस ले लेना है और 20 ml इसके अंदर जाएगा हमारा ये वाटरमेलन। ठीक है दोस्तों, 20 ml हमारा ये वाटरमेलन जाने वाला है इसके अंदर। ये हमारा 30 ml का जो साइड है, ये 30 ml का साइड है। मैं इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20 ml के आसपास इसमें ये मैंने ड्रिंक जो इसका जो फ्लेवर है वाटरमेलन का ये ले लिया है, और साथ के साथ इसके अंदर जाएगा 10 ml शुगर सिरप। तो इसी के अंदर मैं इसी के ऊपर ही मैं 10 ml अपना शुगर सिरप भी पोर कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, और अब इसको हमारे को अपने ग्लास के अंदर इस तरीके से अच्छे से पोर कर लेना है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर हमारा दोस्तों 150 ml सोडा डालेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो 30 ml मेरा जो साइड है, मैं यहाँ पे इसमें भर के इसको डाल लूँगा, ताकि जो मेरा शुगर सिरप और जो वाटरमेलन का जो फ्लेवर था वो भी अच्छे से आ जाए। और अब मेरे को इसको ग्लास को इस तरीके से टॉपअप कर लेना है दोस्तों, इस तरीके से आप ग्लास को टॉपअप कर लेंगे। साथ में आपको इसके अंदर डालने हैं कुछ मिंट के जो हमारे जो लीव्स है वो इस तरीके से डालेंगे हम, और ये लेमन स्लाइस ये इस तरीके से डालेंगे दोस्तों, और जो ये लॉन्ग हैंडल वाला जो हमारा स्पून है, विद द हेल्प ऑफ इस स्पून की मदद से आपको इसको ड्रिंक को कर लेना है मिक्स इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ड्रिंक को आपको मिक्स कर लेना है, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक आधी, अगर कोई ज़्यादा चिल्ड मांगते हैं तो आपको एक आइस क्यूब और भर लेना है, इससे आपका ग्लास भी प्रॉपरली फिल हो जाएगा। और इस तरीके से आपको स्ट्रॉ लगा के और एक लेमन वेज ऊपर से और डाल दीजिए, ताकि ये गार्निशिंग के लिए बढ़िया सा लगे आपका देखने में। इस तरीके से दोस्तों ये आपका हो जाएगा ड्रिंक रेडी। दोस्तों इसके अंदर लेमन जो लेमनेड है, तो इसके अंदर लेमन डालना मैं भूल गया था, तो मैं आपको ये बता दूँ, ये एक हाफ लेमन इसके अंदर आपको ज़रूर डालना है, क्योंकि लेमन से ही इसका जो है एक ज़बरदस्त फ्लेवर निकल कर आएगा, और ये लेमनेड है तो लेमनेड के अंदर बिना लेमन के तो ड्रिंक बनने वाला नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर इस तरीके की कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो भी ये बढ़िया है। तो कभी आपसे भी अगर इस तरीके से कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसको आपको घबराना नहीं है, आप इसको आराम से इस तरीके से मिक्स करके कर लीजिए लेमन को ऊपर से डालने के बाद, और ये आपका ड्रिंक हो गया रेडी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको रेडी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेमन आप इसमें ऊपर से भी डाल सकते हैं, और ये दोस्तों हो गया आपका ड्रिंक रेडी। तो दोस्तों देखा आपने कितना इजी है वाटरमेलन लेमनेड को बनाना। दोस्तों अगर आपको जो हमारी ड्रिंक्स की जो बेवरेजेस की जो रेसिपियां हैं, जिसमें शेक्स, आइस टी, लेमनेड, मॉकटेल्स, फ्रैपे, बहुत सारी वैरायटी है जो मैंने अपने कोर्स के अंदर लगभग करीब 40 beverages दोस्तों ये मैंने अपने कोर्स के अंदर शूट करके पूरा प्रॉपरली डाल रखा है कैफे रेस्टोरेंट का जो मेरा कोर्स है। तो दोस्तों अगर आपको आप भी अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने रेस्टोरेंट के अंदर एक बहुत सारी वैरायटी रखना चाहते हैं बेवरेजेस की, या फिर आप चूज कर सकते हो उनमें से आपको कौन कौन सी आइटम रखनी है, तो आप मेरे जो कैफे रेस्टोरेंट वाला जो कोर्स है उसकी तरफ जा सकते हैं। और आप लोगों को दोस्तों बताना चाहूँगा कि 20 अप्रैल से पहले मैंने एक बहुत ज़बरदस्त ऑफर निकाल रखा है, जिसमें
अगर आप उस 20 अप्रैल से पहले अगर अपनी बुकिंग को बुक करते हैं अपनी, तो मेरे जो दोनों रिकॉर्डेड कोर्स है, सोया चाप वाला और कैफे रेस्टोरेंट वाला, उन दोनों का रिकॉर्डेड कोर्स तो आपको मिल ही जाएगा, साथ के साथ किसी भी एक चीज का फिजिकल ट्रेनिंग आप मेरे रेस्टोरेंट पर आकर ले सकते हैं। यदि आप दोनों चीजों का फिजिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको 8,000 रुपीज पे करना रहेगा, और अगर किसी भी एक चीज का आपको ट्रेनिंग लेना है तो 5,000 रुपीज पे करना रहेगा। यही ट्रेनिंग दोस्तों पहले मैं सिंगल चीज की फिजिकल ट्रेनिंग लेने के लिए 10,000 रुपए चार्ज करता था, और 20 तारीख के बाद दोबारा से ये 10,000 रुपए हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप अगर इस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो एटलीस्ट कम से कम अपनी सीट को बुक कीजिए, ताकि आप कभी भी अप्रैल छोड़ के मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर किसी भी महीने में आप अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए आ सकते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को करता हूं मैं यहीं पे एंड, और मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।